आप आते हो तो चलो फाउंडेशन का, लेकिन वो प्री वाले में भी खतरनाक है। ये आवाज आ रही है बीकानेर, उस अमिताभ बच्चन से बात करा दो बेटा एक बार। ये पर्दे वर्दे हटा, देखो तो सही क्या उड़ा है। ओके मेरा जूम करना है बीकानेर का। सब कुछ ही गायब कर दिया, ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा जितने आराम से देखूं। किसी के ऊपर तो नहीं गिरा? फ्लेक्स खराब हुआ कि नहीं हुआ ये बता देते तो। तू तो चला जाता तो ठीक था, कम से कम कुछ अनाज का बोझ तो कम होता। ये इनको बेटा जो शाम वाले प्री के ना, इनको टेस्ट पेपर घर पे दे देना, ठीक है? आंसर की मत दे देना। ये जो पॉलिटिक के 5 टेस्ट हुए हैं, इनको वो लास्ट वाला मत देना जो मॉडल टेस्ट पेपर है, वो पढ़ने के बाद ये फांसी खा लेंगे। तो बाकी दो बच्चे हैं वो सारे दे देना। आंसर की किसी की मत देना, आंसर अगले के दिन देना, ठीक है? जिनका प्री का केवल उनकी बात कर रहा हूं, उदय बीकानेर सॉरी। और ये जिनकी पॉलिटी बाकी है उनको बोल दे सुबह क्लास ले ले, या रिकॉर्ड भिजवाऊं। ठीक है, और जो भेजी थी रिकॉर्ड वो दिखा दी इनको। अरे जो रिकॉर्ड भेजी थी वो दिखा दी क्या बेटा? तो कब दिखाओगे? 28 अगस्त के बाद। इनको जैसे भी टाइम मिलता है प्री वालों को दिखा दे, फाउंडेशन वालों की तो दिखाना मत। ये भाई इसका विजुअलाइजर चेक करो आप लोग, अभी भी वो सर्कल घूम रहा है। और एक मैं ये बोल रहा था, फोन वोन आए ठीक है, हो गया चलो। ये जूम कर दो भाई, बाकी शहर भी है। ये उदयपुर आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है? सारी मैच सारी है। वेरी गुड। लास्ट क्या पढ़ा था बेटा? उसके बाद करंट पढ़ लिया था, है? पूरी आईआर तो पढ़ ली थी कल लास्ट में 15-20 मिनट में, ठीक है? उसको अभी पढ़ लो, फिर लास्ट में जब सारे राष्ट्र पढ़ेंगे तो एक बार फिर पढ़ेंगे ना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कहानी क्या है। सब कुछ वहीं घूम रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है वर्तमान में, ठीक है? ये डेट मेंस की आ गई है, पता चल गया होगा ना, 25 से 28 दिसंबर, ठीक है? और श्योर होनी है ना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी चीज है, अटकने का एक ही कारण होगा, ज्ञान बहुत है लिखने की शक्ति नहीं होगी, है ना? तो 5-7 मिनट निकाल लिया करो अपने जीवन के लिए, 24 घंटे में केवल एक क्वेश्चन किया करो, है ना? मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं किसी भी टॉपिक पर। इससे क्या होगा, आपका प्री भी तैयार होगा। जैसे आपने कोई भी टॉपिक उठाया उसका प्री भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें फैक्ट्स लिखोगे, ठीक है? एक कोशिश करेंगे कल की क्लास में, बताएंगे क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं, ठीक है? हर आदमी की अलग अलग सोच होती है। जैसे व्याख्या करना लिखा हो ना, तो वहां अलग आंसर होता है, जहां तर्क तरीके से लिखा हो वहां अलग होता है, ठीक है? तो ये एक्सप्लेन कमेंट टिप्पणी करना तो उसमें अलग होता है। तो कल डिस्कस करेंगे इनको कि कैसे लिखना है। और जितना जल्दी लिख कर अगर सौंप देते हो अभी,
ठीक, तो उतना ही जल्दी आंसर चेक होकर दोबारा मिल जाएंगे। 28 अगस्त के बाद तो आंसर मिलना भी वापस मुश्किल होंगे, है ना, वो तो बेच आने के बाद तो और मुश्किल होगी। तुम्हारे पास क्रिस्टल पॉइंट यही है कि इस 20-25 दिन में तुम मेंस का क्या कर लेते हो, जितना ज़्यादा मेंस का इस समय कर लेते हो उतने तुम आगे रहोगे, याद रखना। 28-29 अगस्त के बाद तो वही 6-6 घंटे, 5-5 घंटे फिर से शुरू होगा, वही भीड़, वही सब काम, ठीक। और राजस्थान में क्या है, प्री तो वैसे भी कोई तैयारी नहीं करता है, ये तो तुम ही लोग हो जिन्होंने बड़ी मेहनत से यहाँ एडमिशन लिया और प्री की तैयारी की। बाकी प्री तो यहाँ आते हैं इंक्वायरी ऐसी ऐसी, अभी मेंस के आना शुरू हो चुकी हैं, कहते हैं प्री तो बाएं हाथ का खेल है ना, तो हो सकता है ये सब लोगों के बाएं हाथ का है तो किसी के तो दाएं का भी होगा, तो तुम लोगों के लिए भी कोई ना कुछ होगा। हमने कहा था वर्ल्ड जो है ये 1945 से लेकर 1991 तक इस समय जो था ये यूनिपोलर था, एक ध्रुवी था, पक्का बाइपोलर था, चलो है ना, दो ध्रुवी था और इसमें दो राष्ट्र थे, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। यूएसएसआर के टूटने के कारण हमने बहुत अच्छे से कल पढ़े थे, वो कारण क्या थे, इकोनॉमिक पावर, ठीक है, इसकी आर्थिक शक्ति कमजोर हो जाना। हमने कहा था 1991 में एक वर्ल्ड बना जिसका नाम है यूनिपोलर एक ध्रुवी, और इस एक ध्रुवी विश्व का जो लीडर है वो कौन है, यूएसए। जब यूएसए इस एक ध्रुवी का लीडर बनता है तो उसको पता है कि जिस कारण से वो आज बना है वो कौन सी है, इकोनॉमिक पावर। तो हमने कहा था इसकी विदेश नीति का पहला उद्देश्य क्या होगा कि एक तो ये सुनिश्चित करे कि कोई अन्य आर्थिक शक्ति उभर कर ना आए, यानी कोई भी अमेरिका के बराबर दूसरे उभरने का प्रयास ना करे, और दूसरा इसको सुनिश्चित करना होगा कि इसकी आर्थिक शक्ति का विस्तार निरंतर होता जाए। आर्थिक शक्ति किसी दूसरी उभर सकती है जब संसाधनों पर कब्जा कर लेगी। तुमने कहा था पूंजी और तकनीकी तो जिसके पास पहले से है, लेकिन वो संसाधनों पर और बाजार पर अगर अगर कब्जा कर लेगी तो वह नई अर्थव्यवस्था बन जाएगी, यही कहा था हमने। ऐसे में यूएसए को सुनिश्चित करना है कि दुनिया के जितने भी संसाधन हैं, दुनिया का जितना भी बड़ा मार्केट है, ये सब कब्जे में करने होंगे किसको, यूएसए को। अब हमने कहा था दो तरीके हैं, जब सहयोग की स्थिति है तो क्या किया जाएगा, जूनियर पार्टनर, याद होगा है ना, पढ़ चुके हैं, जब सहयोग कोई राष्ट्र देगा तो उसे दोस्त बना लेंगे। जब विवाद की स्थिति होगी तो दो चीजें देखी जाएंगी कि सत्ता में बंटवारा कितना है, हो सकता है एक में पावर गैप क्या हो, ज्यादा, जब पावर गैप ज्यादा होगा तो हार्ड पावर हमने कहा था इस्तेमाल किया जाएगा, और जब पावर गैप कम होगा तो कौन सी पावर, सॉफ्ट पावर। इस आधार पर क्या करेगा, अमेरिका संसाधन और बाजार पर कब्जा करेगा। लेकिन जो अमेरिका के लिए पहली चुनौती उभर कर आई, एक जो बनकर आई यूरोपियन यूनियन, 1992 में एक संगठन का निर्माण हुआ जिसका उद्देश्य था अपने आप को आर्थिक संगठन के तौर पर उभारना, किसके तौर पर उभारना, आर्थिक संगठन के, यानी इतनी आर्थिक शक्ति को विकसित कर लेना कि दुनिया के किसी भी राष्ट्र, अन्य राष्ट्र चाहे यूएस से हो चाहे कोई भी हो, उसको चुनौती ये देगा। तो ये तो अमेरिका के लिए पॉजिटिव पॉइंट हुआ कि नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट। ऐसे में अमेरिका का पहला उद्देश्य है किसको रोकना, यूरोपियन यूनियन। अब छोटी सी चीज को समझना, यूरोपियन यूनियन जिससे मिला हुआ है वो वेस्ट यूरोप प्लस ईस्ट यूरोप से, ये वेस्ट यूरोप किसके सदस्य थे, नाटो के, और ये अब वारसा मत बोलो, ठीक है, 91 का मतलब क्या है, वारसा का टूट जाना, अब ये अक्स वारसा मेंबर्स हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी सोच किससे जुड़ी हुई है, यूएसएसआर से। जब ये वारसा मेंबर्स थे तो ये अमेरिका के दोस्त थे कि दुश्मन थे, ये दुश्मन थे। ऐसे में ये अमेरिका पर ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन वेस्ट यूरोप और ईस्ट यूरोप दोनों मिल गए और नाम क्या रखा गया, यूरोपियन यूनियन। इसमें अधिक भूमिका किसकी होगी, वेस्ट यूरोप की। जब इन्होंने मिलकर पहला एक साइन किया एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी मुक्त व्यापार समझौता, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में व्यापार होगा। धीरे धीरे इन्होंने कहा जब हम आर्थिक संगठन बना रहे हैं तो क्यों ना हम एक ऐसा व्यवस्था स्थापित कर दें कि राजनीतिक संगठन भी बना दें, सभी मिलकर क्या कर लेंगे, राजनीतिक संगठन। आज भी यूरोप की पूरी पुलिस एक होती है, तो कहा एक हम पुलिस बना लेते हैं। धीरे धीरे आखिरी में ईस्ट यूरोप वालों ने एक छोटी सी आवाज बोलना शुरू की, इन्होंने कहा क्यों ना हम सब मिलकर क्या बना लें, एक सेना भी बना लें खुद के लिए। अब जरा ध्यान से देखो, एक तो आर्थिक शक्ति बन चुका है, कौन, यूरोपियन यूनियन, भाई बनने की तरफ ही है, और दूसरी तरफ किसकी बात कर रहे हैं,
सैन्य शक्ति की, कि सभी राष्ट्र मिलकर क्या बनाएंगे, सैन्य शक्ति। और एक तरफ देखो हमने कहा था तीसरी शक्ति कौन सी होती है, मोरल पावर। इस मोरल पावर में देखना जो फ्रांस और ब्रिटेन है किसके सदस्य हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो पहले से उनके पास वीटो पावर है। और जर्मनी को देने की बात और चल रही थी उस समय, आज तक चल रही है। टोटल तीन राष्ट्र, ये जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी है, सैन्य शक्ति भी निर्माण करने जा रही है, और अगर वीटो पावर इनके पास है तो आप मानकर चलो इनकी वैचारिक शक्ति भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर तीनों शक्तियां इस केंद्र में केंद्रित हो गई तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती किसको होगी, यूएसए को। हमने कहा था अब अमेरिका की तरफ से सोचना है, ये सोचना है कि हम ही ओबामा के छोटे भाई हैं और उसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी। एक बार खुद सोच कर देखो, अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं तो एक चुनौती तो हमारे सामने कौन आ गई, यूरोपियन यूनियन। कैसे भी कर हमें क्या करना है, एक ऐसी योजना बनानी है कि ये ना तो आर्थिक शक्ति बन पाए, ना ही क्या बन पाए, सैन्य शक्ति बन पाए, और ना ही इनका इतना ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल हो पाए कि ये हमसे अलग होकर या अमेरिका से विरोध में जाकर कार्य करें। एक चुनौती तो ये आई। दूसरी जो अमेरिका के सामने चुनौती आई, रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्यों 7 बजे तक कर लेते हैं, 7:30 से पढ़ा देंगे, नहीं कितना टाइम लगेगा, ये ऑडियो वीडियो अलग अलग आ रहा है भाई, उदयपुर बीकानेर। बीकानेर तो कुछ आया ही नहीं रहा, करो फटाफट करो।